हेल्दी स्किन चाहिए तो एक रूटीन फॉलो करो, आपको सीटीएम करना होगा। सीटीएम का मतलब क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। इससे आपके स्किन के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, आपके स्किन में नेचुरल ग्लो आएगा। और मैं आपको घरेलू नुस्खा बताती हूँ जो आप आराम से घर पे कर सकते हो। तो क्लींजिंग के लिए हम कच्चा दूध लेते हैं और इसे कॉटन से डिप करके अपने फेस पे अप्लाई करते हैं इस तरीके से। 1 मिनट के बाद गीले वाइप से हम अपने फेस को क्लीन कर लेते हैं। टोनिंग के लिए हम गुलाब जल स्प्रे करेंगे अपने फेस पे इस तरीके से। मॉइस्चराइजिंग के लिए हम एलोवेरा जेल यूज करेंगे, ये बहुत बेस्ट होता है आपके स्किन के लिए। एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद आपका स्किन रेडी है मेकअप के लिए भी, क्योंकि एलोवेरा जेल आपका प्राइमर का भी काम करता है। इससे आप फाउंडेशन, कंसीलर इस पे डायरेक्ट लगा सकते हो और आप बेस। ये होममेड नेचुरल ग्लो फेस सीरम, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आपको इसे रेगुलर यूज करना है और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चेंजेस दिख रहा है अपने फेस पे। तो इसे बनाने के लिए एक कंटेनर चाहिए और उसमें आपको एलोवेरा जेल लेना है, विटामिन ई की टेबलेट लेनी है 2, और गुलाब जल लेना है और कोई भी एसेंशियल ऑयल लेना है। मेरे पिंपल्स प्रॉब्लम होते हैं तो मैं इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिक्स करती हूँ। तो आप इसे रेगुलर अगर आपको चेहरे से दाग धब्बे को भी जड़ से दूर करना है तो उसके लिए आपको संतरे के छिलके का पाउडर चाहिए। यह आप घर पे भी बना सकते हैं। संतरे के छिलके को सुखाकर और उसे मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लीजिए। तो 2 चम्मच हम पाउडर ले लेंगे और 2 चम्मच कच्चा दूध ले लेंगे और 1 चम्मच हनी ले लेंगे। उस सबको अच्छे से मिला लीजिए और अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और सूखने के बाद धो लीजिए। इसे हफ्ते में 2 बार कीजिए।